नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लगातार अपने चैनल के माध्यम से उनको ये मॉक टेस्ट शेयर कर रहे हैं इससे पहले हम लोगों ने 108 वीडियो दिए हैं जिसमें कि हर सेट में 50 60 और 100 क्वेश्चन का सिनारियो भी मिक्स रहा है उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ से भी और आपको बता दें कि फिर से एक आपका रिवीजन सेक्शन चलाया है हमने जिसमें कि करीब पाँच हज़ार से भी ज़्यादा प्रश्न आपको शेयर किए जाएंगे तेरह सेट हो चुके हैं इन तेरह सेट का जो पीडीएफ है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर तो आप आज ज्वाइन कर लीजिएगा आज शाम को यहाँ पर जरूर ये आपको पी सारे दे दिए जाएंगे दोस्तों एक आखिरी प्रयास इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद कोई ठीक नहीं है कि अगला एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा सरकार बदलेगी सरकार रहेगी इसका कोई ठीक नहीं है इसलिए जो सरकार नई भी आएगी वैकेंसी देगी नहीं देगी इसलिए ये आखिरी प्रयास रहेगा आपका और इसमें हम आपके साथ होंगे इस आखिरी प्रयास के अभ्यास में तो चलिए लगाते हैं सेट नंबर फोर्टीन जो कि आज एक्सरसाइज फॉर द रिविज़न है और देखते हैं कि आज इसमें 80 क्वेश्चन में आप कितने उत्तर सही करते हैं इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और इन सभी पी के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें जी हाँ दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके और जो भी छात्र दोपहर के 12 बजे का ये वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा 10 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं मैंने जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये सुबह का नौ बजे का वीडियो जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है चलिए लेकर चलते हैं आपको इन सभी प्रश्नों पे आज का पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला मुख्य गैस कौन सा है हर क्वेश्चन के लिए दो सेकेंड दूंगा यहाँ पे आंसर कीजिएगा जल्दी से देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड नोट कर सकते हैं दोस्तों यहां पे इट्स अ बी इज द राइट आंसर दोस्तों सी टू का मुख्य स्रोत क्या होता है जीवाश्म ईंधन होते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे सी टू ठीक है और आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है इसके द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है और इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है जल्दी से आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बिल्कुल ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है नोट कर लीजिएगा इट्स अ ग्लाइसिन इज द राइट आंसर जिनका उत्तर ए आ रहा है उनका उत्तर सही होगा यहाँ पे और जो ग्लाइसीन होता है एकमात्र अमीनो एसिड होता है ठीक है इस पूरे वैकल्पिक जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक मात्र है जो कि अमीनो एसिड यही है चलिए और आपको बता दें कि जो प्रोटीन होता है हमारा उसमें केवल एल आइसोमर होते हैं लिख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुइस अम्ल नहीं है दो से तीन सेकंड समय लीजिए आंसर कीजिए बिल्कुल सी कीजिएगा दोस्तों इट्स एनएच जी हाँ एन एच थ्री होगा ये एक्चुअली ये ठीक है एन एच थ्री होगा नोट कर लीजिएगा यह एक यौगिक अम्ल नहीं है ठीक है और यह पदार्थ जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है एकाकी यानी कि एकल ठीक है उन्हें हम लुइस अम्ल कहते हैं अच्छा वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु की आखिरी कक्षा में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे जैसे कि अगर एग्जाम्पल में ले हम लोग दोस्तों तो ए एल सी एल थ्री जो है आपका ये एकाकी है तो यहाँ पे ये लुइस अम्ल होता है ये ठीक है बी एफ थ्री बी सी एल थ्री ये सारे के सारे ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स अ सी फ्रियोन नोट कर सकते हैं दोस्तों फ्रियोन फ्रियोन जो है एक सामान्य प्रशीतक होता है जो कि घरेलू प्रशीतकों में ये प्रयुक्त होता है फ्रियोन जो है दोस्तों एक आ, क्लियोडोन है जिसका प्रयोग एयर कंडीशन और एयर प्रशीतन में किए जाते हैं ठीक है इसका सूत्र क्या होता है लिख लीजिए ओ सी एल टू ओ सी एल टू एफ टू ठीक है नोट कर लेंगे ये इसका सूत्र होता है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फाइव निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकरण टेलीविजन के दुरस्त नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो ये आखिरी ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिए यहां पे उपयुक्त सभी लिखा गया है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करेंगे इट्स ए जी हाँ जिनका उत्तर आ रहा है अवरक्त नोट कर सकते हैं दोस्तों अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकरण जो है वो टेलीविजन के दुरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है और आपको बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण होता है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है याद रखिएगा जी हाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं तरंगे ये तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं लिख लीजिएगा आया है क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं हिंदी में इसका नाम लिया है सार्वत्रिक तापन ये निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो देखिए अभी तो मैंने बताया एक तो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है उसके अलावा तो मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है जलवाष्प है ये डी आंसर कर ली जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे ठीक है और आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में अन्य परिवर्तन होने ठीक है जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि पूरा जो गर्मी का मौसम था बिहार में खासकर क्योंकि लू चलती है बिहार में यहाँ पे एक गर्म हवा चलती है वो इस बार बहुत ही कम चली और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके चलते पूरा बिहार और उत्तर भारत परेशान है अभी ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट हैं दोस्तों ठीक है ना चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है से आंसर करेंगे, का, दो से तीन सेकंड समय देंगे और आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करने होंगे बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड डी इज द राइट आंसर अम्ल वर्षा के लिए ये उत्तरदायी होते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है पीएच वैल्यू क्या होता है याद है आपको ये पूछा गया है अभी एस में हाल ही में इसका ध्यान रखेंगे फाइव पॉइंट सिक्स होता है दोस्तों ठीक है ना और अम्लीय वर्षा के कारण जो है आंखों में और शरीर में जलन होने लगती है इसका लक्षण है और अम्लीय वर्षा के कारण जो है नदियों तालाबों आदि के पानी जो है वो कैसे होते हैं तो विषैले हो जाते हैं यानी कि जहरीले हो जाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो कौन सा गैस है जिसे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है बिल्कुल क्लोरीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा ठीक है जी हाँ क्लोरीन जो है ये पानी जो पीने वाला पानी होता है उसको शुद्ध करता है ठीक है चलिए और क्लोरीन की खोज किसने की थी चलिए शैले नामक वैज्ञानिक ने किया है ओके याद रखेंगे और क्लोरीन जो है दोस्तों ये हरे पीले रंग के गैस जैसे दिखाई देता है और तीखा गंद देता है मतलब बहुत ही गंदा इसका स्मेल है क्वेश्चन नंबर नाइन पे आइए वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में वातावरण में प्रकाश का विसरण दोस्तों धूल कण की वजह से होता है ठीक है आंसर क्या करेंगे बी कर लीजिएगा यहां पे कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं रक्त का पीएच मान ये दस वर्षों में अगर बात करें हर एक एग्जाम में है ना चाहे आप एसएससी एनटीपीसी आरआरबी या फिर बैंकिंग बैंक में भी पूछा गया है प्रश्न ऐसे पीएच वैल्यू जरूर पढ़ें आप लोग ठीक है तो ये होता है रक्त का पीएच वैल्यू ठीक है अच्छा रक्त का तरल संयोजी उत्तक होता है जान लीजिए पीएच स्केल का आविष्कार कौन है ये भी पूछा गया एग्जाम में तो सोरेन्सन है ठीक है पीएच स्केल पर का, जो अंकित मान होता है वो कहाँ से कहां तक होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो लिख लीजिएगा जीरो से चौदह तक होता है देखिए इससे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सात से लेकर जो कम पीएच वाले मान होते हैं वो अम्लीय होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो सात से अधिक होते हैं वो पीएच मान वो छारिय होते हैं और जो एग्जैक्ट सात पे होते हैं वो क्या होते हैं उदासीन होते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से कम से कम चार पाँच क्वेश्चन तो बने ना तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का होना जरूरी है और बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर ईजी क्वेश्चन है ईजी नहीं है यहाँ से आपको कन्फ्यूज करके क्वेश्चन आंसर गलत करवा सकता है एग्जामिनर आपका चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एलेवन है कि धरातल पर वायु दाब की कुल कितनी पट्टियां हैं नीचे कमेंट कीजिएगा चार ऑप्शन है कुल कितनी पट्टियां हैं सभी का आंसर आना चाहिए यहां पे देखिए वायु दाब की बात करें तो कुल सात पट्टियां हैं डी जिनका उत्तर आ रहा है ना सही उत्तर कर रहे हैं और पृथ्वी के तल में वायु दाब का जो विकास है वो अक्षांशों के समानांतर होता है चूंकि धरातल पर जो विश्वतीय प्रदेश होते हैं उनमें सूर्य के किरणों वर्षा पर सीधी पड़ती है इसलिए वह क्षेत्र जीरो डिग्री से लेकर पाँच डिग्री तक ठीक है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र जो है वो शांत पेटी कहलाते हैं डोलड्रम कहलाते हैं ठीक है उनको डोलड्रम कहते हैं याद रखिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे बारह इनमें से कौन सा चक्रवात भारत के संबंधित नहीं है आइए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आ चुका है बीपीएससी में ये क्वेश्चन कौन सा चक्रवात जो है भारत से संबंधित नहीं है तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था आज के सुबह में जो मॉक टेस्ट आप लोग देख रहे हैं सुबह का करेंट जो जी के उसमें कि चक्रवात का नाम कौन देता है तो जैसे कि मान लीजिए अगर अरब सागर में चक्रवात आया या हिंद महासागर में चक्रवात आया तो जो भी इसके अगल बगल जितने भी पड़ोसी देश हैं वो मिलकर जो है इसका नाम देते हैं ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कहीं ठीक है तो इनमें से कौन चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है सी कर लीजिएगा हयान जो है वो भारत से संबंधित नहीं है यानी कि इसका नामकरण जो है वो भारत ने नहीं किया होगा हैवान जो है दोस्तों जो हयान है, है सॉरी हैवान बोल रहा हूँ हयान जो है दोस्तों ये वियतनाम फिलीपींस ताइवान इत्यादि क्षेत्रों का प्रभावित करने वाला ये चक्रवात है तो ये इन सभी देशों ने मिलकर इसका नाम रखा है चूंकि फैनी जो है एक इसमें ये लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है फैनी तूफान जो है भारत के उड़ीसा को प्रभावित करने वाला एक चक्रवात है निशा चक्रवात जो है दोस्तों 2008 में जै ये जो निशा चक्रवात है ये 2008 में आया था तमिलनाडु क्षेत्र में ये भी भारत को प्रभावित करने वाला एक चक्रवात है अच्छा लैला लैला भी एक चक्रवात है लैला चक्रवात दोस्तों बता दें कि जो है कि ये श्रीलंका और भारत दोनों को प्रभावित करने वाला ये चक्रवात है इसलिए भारत ने ही नामाकरण किया था इसका लैला याद रखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह पे चलते हैं यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा आप लोग देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृदा यानी कि मिट्टी में भूरे रंग का संतरण जो है संसंतरण जो है ये कैल्सियम मैग्नीशियम आयरन और एम एन जी हाँ कि अविलय लवणों के जमाव के प्रक्रिया से ग्लाइजेशन होते हैं क्या होते हैं ग्लाइजेशन होते हैं तो आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा क्या होते हैं इसके जमाओ की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो ये ग्लाइजेशन कहते हैं आपको बता दें कि जो भू भूप्रपर्टी होती है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और जो मिट्टी का अध्ययन कहते हैं उसको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं ये भी आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया है मृदा में कटाव जो है वो मृदा अपर्दन कहलाता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सॉइल एरशन ठीक है नोट कर लेंगे आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे चलते हैं दोस्तों किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है चलिए आंसर कीजिएगा किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है बिल्कुल जिनका उत्तर डी आ रहा है पंचम क्रियाएं नोट कर सकते हैं दोस्तों यहां पे और ये पंचम क्रियाएं जो हैं जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं होती हैं ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां पे कौन कौन होती है ये तो प्राथमिक व्यवसाय द्वितीय व्यवसाय तृतीय व्यवसाय चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय ठीक है ये मानव व्यवसाय के पांच प्रकार हैं क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं मक्का जो है उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियों में अनुकूल नहीं है नहीं बोला गया है ध्यान दीजिएगा जी हाँ नहीं है मक्का जो है तो याद रखेंगे दोस्तों इट्स अ डी कम से कम सत्तर जी हाँ कम से कम सत्तर पाला रहित दिन भौगोलिक परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं होती हैं आंसर डी कर लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सोलह दोस्तों के टू किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ये सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं सुबह के क्यूज सेक्शन में स्ट्रेटेजी के में पर्वतमाला श्रृंखला वाला जो क्यूज था चलिए आंसर करेंगे के जो है दोस्तों ये कोरा काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है आंसर क्या करेंगे बी कर लीजिएगा हिमालय पर्वत जो है विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जिसकी सबसे ऊंचाई चोटी है एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट की ठीक है याद रखेंगे अच्छा के टू जो है इसका ऊंचाई कितना है एट सिक्स वन वन याद रखेंगे किलोमीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह पे दोस्तों अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल दृष्टि कौन से कौन सा है फटाफट आंसर कीजिएगा हर क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है बिल्कुल अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि देखा है तो अल्जीरिया है दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर ये इंटरनेशनल क्वेश्चन भी रहेंगे जीके में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारे घटनाक्रम हमने आपको पढ़ाए हैं बिहार दुर्गा के लिए एक एक करके हर क्वेश्चन चाहे करेंट से हो चाहे आपके जी से हो वो आपको बताए हैं अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है ये जान लीजिए पहला एशिया है और अल्जीरिया की राजधानी कहां होती है ये बता दीजिए आप लोग अल्जीरिया की राजधानी होती है दोस्तों अल्जीयर्स क्या होती है अल्जीयर्स ठीक है याद रखेंगे इस द अल्जीयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है पामीर के पठार के दक्षिण दिशा में हिंदू कोश है नोट कर सकते हैं सी इज द राइट आंसर जिनका उत्तर आ रहा है नोट कर लेंगे दोस्तों और पामीर का पठार को फारसी भाषा में जी हाँ बाम दुनिया कहते हैं क्या कहते हैं बाम ए दुनिया जिसका अर्थ होता है दुनिया का छत ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों उन्नीस पे चलते हैं उत्तर अमेरिका के गहन बिंदु समुद्र तल से कौन सा है उत्तर अमेरिका का गहनता बिंदु दोस्तों याद रखेंगे समुद्र तल से डेथ वैली है आंसर क्या कर लेंगे इट्स इज़ द राइट आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अनुसार में व्यवस्थित करना है तो बताइए कैसे करेंगे आप तो देखिए अगर शब्द कोश यानी कि डिक्शनरी के देखा जाए तो कैसा होता है अल्फाबेटिकली होता है तो अगर एम से सारे लेटर शुरू हो रहे हैं फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे ए देखेंगे तो ए भी है उसके बाद ए बी सी डी करके हम देखेंगे तो हमारा जो पहला लेटर आएगा दोस्तों एन है, जो कि इन सबसे पहले है देखो टी से पहले आर से पहले और आर से पहले एन होता है ओके और उसके बाद होता है दोस्तों आगे चलेंगे तो फिर आई आएगा क्योंकि इनमें भी आई 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 सब में आई है यहाँ सी है तो यहाँ पे सी नहीं होगा मेन फेस्ट होगा एम ए एन आई एफ ई एस टी ये आपका क्या होगा शब्दकोश के अनुसार जो है पहला क्रम पे होगा दूसरा होगा मर्चेंट तीसरा होगा मेरिडियन और चौथा होगा दोस्तों यहाँ पे न, मेरिकुलस तो देखिए यहाँ पे जो शब्दकोश बनेगा मैं आपको बता दूँ कि पहला तो मेन फेस्ट बन गया दूसरा यहाँ पे बनेगा मेटिक्यूलस ठीक है तीसरा बनेगा दोस्तों यहाँ पे मेरिडियन और चौथा बनेगा दोस्तों यहाँ पे चार मर्चेंट तो यहां पे आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों देखिएगा यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा एक चार तीन दो ठीक है ये यह देखिए यहां पे मैं आपको मिलाऊं अगर इसको तो ये देखिएगा चलिए तो यहां पे जो शब्दकोश के अनुसार जो आंसर होगा इसका ये क्या हो जाएगा ये कंफर्म बता देते हैं आपको पहले तो मैनफेस्ट ठीक है दूसरा यहां पे होगा दोस्तों मर्चेंट ठीक है तीसरा होगा यहाँ पे मेरिडन और चौथा होगा यहाँ पे मेटिकुलस तो ये आपका सही सुमेलन है यहाँ पे आंसर एक चार तीन दो है ए इज़ द राइट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा ज़ूम आउट करते हैं और ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आंसर कीजिएगा दो से तीन सेकेंड में आंसर कीजिएगा यहाँ पर आंसर देकर जाइएगा आप लोग उन सोलह सौ अठहत्तर में औरंगजेब ने किसने कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों की ही खुदा नहीं है बल्कि तमाम इंसानों का खुदा है 1678 में ये बात कही गई थी और औरंगजेब से कही गई थी और ये किसने कहा थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे दो से तीन सेकेंड और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके इस लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता हमें और ऐसे वीडियोस लेकर आ सकते हैं आपके लिए तो सोलह सौ अठहत्तर में औरंगजेब से महाराज सवाई जय सिंह ने कहा था दोस्तों जी हाँ नोट कर लेंगे उन्होंने कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों का नहीं हर इंसान का खुदा होता है और जय सिंह ने कहा था कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा ये कथन भी था औरंगजेब और जो शाहजहाँ का पुत्र हुआ करता है दोस्तों बता दें कि अंतिम महान मुगल शासक बादशाह भी था ये औरंगजेब और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों मीर जाफर है ना किसने मीर जाफर के मरने पर एक हिंदू मंदिर से हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान कराया क्वेश्चन नंबर बाईस का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आंसर किसने मीर जाफर के मरने पर मीर जाफर एक मुसलमान था मरने पर एक हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर उसने उसे अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान कराया था तो वो थे दोस्तों नंद कुमार ए इज द राइट आंसर आपको बता दें कि मीर जाफर के मरने पर एक हिंदू मंदिर के गंगा जल लाकर वो अपने हाथों से गंगा का स्नान करवाया था अंतिम स्नान उनका नंद कुमार बंगाल का एक ब्राह्मण था और मीर जाफर ने नंद कुमार को अपने दीवान भी बना रखा था ठीक है याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे मौर्य साम्राज्य के दीवान दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था मौर्य साम्राज्य के दीवानी जो न्यायालय थे न्यायाधीशों को व्यवहारिक कहा जाता था क्या बी इज द राइट आंसर नोट कर लेंगे और मौर्य काल में दोस्तों जब भी पढ़ेंगे आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ें ध्यान रखने का एक तो धर्म स्थनिज और एक कंटक शोधन जी हाँ धर्म स्थनिज में दीवानी न्यायालय और कंटक सुधन में फौजदारी न्यायालय ये दोनों सम्मिलित हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं था तो नहीं बोला गया है तो याद रखिएगा इट्स अ डी कलहन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं था कलहन जो था दोस्तों कश्मीर का एक लोहार राजवंश का शासक था और हर्ष का आश्रित कवि भी था ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर चलते हैं मिलान कर लीजिए फिर आंसर देते हैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सही मिलान का अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाखा से मृक्षकट्टिकम जो है सुद्रक से और स्वप्नवासवदत्तम जो है भास से संबंधित है जो कि नाटक और उसके नाटककार हैं ये तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल ए हो जाएगा एक दो तीन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स चलिए इब्न बुद्ता किसने शासन काल में भारत आया था तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में भी बहुत बार ठीक है तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे दोस्तों इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था ठीक है ये भी याद रखेंगे किसके शासनकाल में आया था इट्स बी ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी सेवन रशिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखा रशिक प्रिया नाम से टीका की रचना दोस्तों राणा शंभा राणा कुंभा ने किया है ठीक है आंसर कीजिएगा इट्स बी और जो कुंभा ने जयदेव तथा रचित गोविंद जो गीत गोविंद है उस पर भी रशप्रिया भी लिखे हैं उनका टीका उस पर भी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बंगाल के प्रथम चार पर्षद शामिल नहीं थे चार पर्षदों में ये शामिल नहीं थे चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे फटाफट बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सी वॉरेन हेंस्टिंग जो कि सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन दोस्तों मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ए हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी सत्रह से लेकर उनहत्तर के बीच में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में आंगल मैसूर का युद्ध लड़ा गया था ठीक है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी तिलक के होम रूल लीग में प्रथम सचिव कौन था आज के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर होंगे लेकिन आज का जो सिनारियो है मतलब पास होने का अस्सी क्वेश्चन में साठ रखा है मैंने तो आंसर कीजिएगा दोस्तों तिलक के होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे बिल्कुल जिनका उत्तर सी आ रहा है एन सी कैलकर इज द राइट आंसर नोट कर सकते हैं दोस्तों 28 अप्रैल सन उन्नीस को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चलिए आंसर कीजिएगा वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है बी इज द राइट आंसर सिल्वी कल्चर नोट कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कर्म जो है क्रम जो है वो तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से दर्शाता है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों इट्स अ एफ ई सी यू और ए जी यानी कि डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी थ्री ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बिल्कुल यहां पे आंसर करेंगे दोस्तों यह रंग का अवकरण करके पदार्थ का रंगहीन कर देता है जी हाँ डी इज द राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर जो है दोस्तों एक चूर्ण होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है सी ए सी ए सी एल टू होता है इसका फार्मूला इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं ठीक है ब्लीचिंग पाउडर एक अकार्बनिक यौगिक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है बिल्कुल आंसर करेंगे एच टू एस प्लस सी एल टू जो है अभिक्रिया करके सी एच सी एल प्लस सल्फर बनाता है जो है कि एक अभिक्रिया यहाँ पे दोस्तों प्रदर्शित नहीं करता है बल्कि यहाँ पे एच टू एस प्लस सी एल टू प्लस टू एच सी एल प्लस एस जो समीकरण है वो अवकरण अभिक्रिया होती है इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्टी फाइव निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बिल्कुल जहाँ पे अगर उत्तर कर रहे हैं आप यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर जी हाँ स्टील के कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है जी हाँ आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है फिर से नहीं बोला गया है ध्यान दीजिएगा तो देखिए डी उत्तर गलत बताया जा रहा है यहाँ पे तो क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वह कथन सत्य नहीं है जबकि इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण के कारण बंधन का निर्माण हो ही जाता है और इसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट उष्मा अधिकतम होती है बिल्कुल डी पानी का नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे और जल की विशिष्ट उष्मा धारिता जो है बयालीस सौ जूल पर केजी होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट स्थिर जल में पत्थर गिर, गिरने पर उत्पन्न तरंगे क्या होती हैं जल्दी से आंसर करेंगे स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ प्रगमी होती हैं क्या होती हैं अनुप्रस्थ प्रगमी होती हैं आंसर ए कर लीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन चलिए वस्तु छोटा वास्तविक उल्टा और बिंब जो है उत्तल लेंस द्वारा बनता है तो वस्तु स्थित होती है चलिए आंसर करेंगे दोस्तों वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब जो है उत्तल लेंस द्वारा बनता तो है जब वस्तु अनंत पर तथा इसका जो फोकल जो है डबल होता है यानी कि टू एफ होता है और ये सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों पर घिरे हुए होते हैं इसलिए और दूसरी चीज लेंस की क्षमता मात्रक जो डायप्टर होता है ये भी ध्यान रखेंगे चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चलते हैं दोस्तों श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं इस तथ्य को खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था बिल्कुल न्यूटन ने किया था बी इज द राइट आंसर नोट कर लीजिएगा बी इज द राइट आंसर न्यूटन के अनुसार प्रकाश का एक कण भी होता है श्वेत प्रकाश के सात रंग होते हैं और इस तथ्य को खोज न्यूटन ने किया था याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को तो किसके बीच हुआ था प्रथम युद्ध तो ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इब्राहिम लोदी अपने लोदी वंश का अंतिम शासक रहा 1526 में ये युद्ध हुआ था इक्कीस अप्रैल को पानीपत में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को त्याग दिया था ठीक है और उनको नाइट की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा तो जलियावाला बाग हत्याकांड होने के बाद उनको भी दुख का आहस हुआ और उन्होंने अपना ये जो अवार्ड था वो त्याग दिया जलियावाला बाग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल की गिरफ्तारी के विरोध में भी किया गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों फोर्टी थ्री यहाँ पर आंसर करेंगे वह हड़प्पा नगर जिसका कि प्रतिनिधित्व लोथल और पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है देखिए हड़प्पिया नगर जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल और पुरातत्व स्थल करता है उसका नाम है भोगवा नदी के स्थित है ठीक है सी इज़ द राइट आंसर लोथल गुजरात में है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है भोगवा नदी ये तट पर स्थित है ये लोथल जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता का, का कालीन बंदरगाह भी कहा जाता है याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश, विशेषण कब दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था याद रखेंगे अ सी होम रूल आंदोलन के बाद दोस्तों तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी और होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत को स्वराज स्थापित कराना सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भी की गई ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक बिल्कुल डी इज द राइट आंसर शासन के सिद्धांतों का पुस्तक यह कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र है जो कि एक शासन के सिद्धांतों का पुस्तक याद रखेंगे डी इज द राइट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स चीनी यात्री हेंसोंग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी बिल्कुल याद रखिएगा इट्स अ बी हर्षवर्धन नोट कर दीजिएगा चीनी यात्री जो था हर्षवर्धन के समय आया था और पुष्पभूति वंश का शासक था ये हर्षवर्धन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन अठारह सौ दो की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किसके मध्य में हुए थे बिल्कुल बी इज द राइट right आंसर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के समय काल में ये हुए थे इकतीस दिसंबर अठारह सौ दो को इस राशि के अनुसार अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के संकट के समय एक दूसरे का साथ देने का वचन भी किया था इन्होंने क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट दोस्तों भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उत्तर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गया चलिए आंसर करेंगे दोस्तों भारतीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था 1907 का वो उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित कर दिया था ठीक है नरम दल और गरम दल दोस्तों फोर्टी नाइन चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किया गया था बिल्कुल हुमायूं ने किया था और ये दोस्तों शेरशाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं जो है पारस एवं अफग़ानिस्तान के निर्वासित जो क्षेत्र है उनके दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव भी रखी थी अकबर ने चित्रकला जो है चित्रशाला विभाग की स्थापना की आगे चलकर चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी दोस्तों नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ़्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों इट्स ए अब्बास तैयब जी नोट कर सकते हैं नमक सत्याग्रह गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन को नायक के रूप में यह उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने ग्रहण किया था और नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था साबरमती में याद रखेंगे दांडी पहुंचकर ये किए थे ये उन्नीस के समय क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे डी ये सभी जी हाँ आंसर करी सभी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था तो ये योजना का कार्यकाल दोस्तों उन्नीस से उन्नीस का था ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और द्वितीय पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना का जो महालोबिनिस मॉडल के आधार पर था ठीक है चलिए याद रहेगा क्योंकि पीसी सी जो है भारत के प्रमुख वाद थे ठीक है सांख्यिकी विद थे ये नाम ना याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इनमें से कौन सबसे नीचे क्रम में स्थित है सबसे नीचे क्रम में स्थित अगर रखना है तो किसको रखिएगा तो फ्लाइट ऑफिसर को रखेंगे जी हाँ आंसर डी कर लेंगे सबसे अगर ऊपर की बात करें वरीयता की यानी कि पोस्ट की तो एयर चीफ होता है एयर चीफ मार्शल जिसे हम लोग कहते हैं फिर उसके बाद एयर मार्शल होता है फिर उसके बाद एयर वाइस मार्शल होता है फिर उसके बाद एयर कमांडर कमांडर होता है उसके बाद ग्रुप कैप्टन होता है उसके बाद वीक कमांडर होता है उसके बाद जो लीडर होता है स्क्वाड्रन uh, लीडर उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है फिर उसके बाद लास्ट में होता है फ्लाइंग ऑफिसर और उसके बाद फ्लाइट ऑफिसर फ्लाइंग ऑफिसर उसके बाद फ्लाइट ऑफिसर ठीक है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर इनमें से कौन देश का एकमात्र तृष्णा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जी हाँ याद रखेंगे इट्स सी रक्षा प्रबंधन कॉलेज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ए ये महारत्न कंपनियाँ हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों फिफ्टी सिक्स गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इनमें से एक कथन है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा वे अमेरिका में मशीनीकरण पदक्ष पद पर नहीं थे ये गलत बात है यहाँ पे आपको बता दें कि गांधी जी अर्थव्यवस्था के लिए विषय में यह कथन सत्य नहीं है ठीक है जो बात कही गई है यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गांधी जी गांधीवादी एक्चुअली है ना गांधीवादी अर्थव्यवस्था में विषय में यह कथन सत्य नहीं है वे अमेरिका में मशीनरीकरण के पक्षधर नहीं थे ठीक है ये जो है ये जो है ये पक्षधर नहीं थे ये गलत है वो थे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं बिल्कुल नवंबर और दिसंबर जी हाँ मानसून के यह महीना है नवंबर दिसंबर वहाँ बारिश होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट चलिए आरआरबी जो है भारत सरकार राज्य सरकार और प्रयोजक व्यापारी बैंक पूंजी का एक अनुपात क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसके बाद भारत सरकार राज्य सरकार और प्रयोजक व्यापारी तो इसका जो है रेशियो क्या है पचास पंद्रह पैंतीस का है ए इज़ द राइट right आंसर ठीक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी 1975 में याद रखेंगे और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का अधिनियम कब बना 1976 में चलिए क्वेश्चन नंबर 59 मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है कि बच्चों का टीकाकरण ठीक है ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है सन 2014 में जी हाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई उसके बाद मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उन्होंने इसकी न्यू डाली ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे सिक्सटी वन दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन जल्दी से आंसर करेंगे वैसी अर्थव्यवस्थाएं जहाँ बा बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती है क्या कहलाती है जी हाँ बंद अर्थव्यवस्था डी इज द राइट आंसर नोट कर लेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू हर एक सेक्टर से क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जी हाँ आपको हर एक सेक्टर से इन्वायरमेंट से इकोनॉमिक से पॉलिटी से हिस्ट्री से जोग्राफी से तो ये मूक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर करेंगे दोस्तों किसी समिति के द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की गई है जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स ए राज समिति नोट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए राज्य समिति जिनका उत्तर आ रहा है ए करेक्ट कर लेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री प्रोवर्टी एंड द एनी ब्रिटिश एंड एनी ब्रिट एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नोरजी ने अठारह में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताई थी आंसर कीजिएगा इट्स अ बी बीस रुपया प्रति व्यक्ति आय जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सन उन्नीस में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति हुई है बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों सौ सी प्रोफेसर पी सी महाब्लोनोसिस नोट कर सकते हैं जी हाँ सन उन्नीस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताया राष्ट्रीय आय पूरे देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक अंतिम वस्तु के शुद्ध मूल्य के ये संदर्भित करती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव हिंदू वृद्धि दर चलिए प्रतिपादन किसने किया है बिल्कुल प्रोफेसर राजकृष्ण ने जी हाँ हिंदू वृद्धि दर प्रतिपादन किया है प्रोफेसर राजकृष्ण ने याद रखिए 1950 से 1990 सौ ईस्वी तक का ये आर्थिक वृद्धि दर बताया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स एक चंद्रमा कितना और दिवस कितना बराबर होता है एक चंद्रमा जो होता है दोस्तों यह साढ़े उनतीस और सौर्य दिवस जो होता है उसके बराबर होता है ठीक है तो आंसर क्या करेंगे बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं टेन टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर होते हैं ये लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन नंबर दोस्तों सिक्सटी एट कार्य का बीमा क्या होता है चलिए लिख लीजिएगा एम एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस टू इस ठीक है इज द राइट आंसर ये कार्य का बीमा होता है कार्य का सूत्र पूछे तो बल इंटू बल का विस्थापन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन एक गेंद ए छत से नीचे की तरफ गिर जाए ठीक उसी समय दूसरी गेंद बी छिस दिशा में फेंकें तो दोनों गेंदों में कौन पहले पृथ्वी तक पहुंचेगा बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों आंसर कीजिएगा दोनों एक साथ पहुंचेगी सी इज़ द राइट आंसर चूँकि एक गेंद जो है छत से नीचे गिरा रहे हैं तथा तो ठीक उसी समय दूसरी गेंद को छैतीस दिशा में फेंक रहे हैं तो दोनों गेंद जो है पृथ्वी पर एक साथ लौटेगी ठीक है चलिए और दोनों गेंद एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरेगी लेकिन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी यदि किसी मोटर गाड़ी का प्रारंभिक वेग दस मीटर पर सेकंड और उत्पन्न जो त्वरण है चार मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आठ सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा तो दूरी बताना है यहाँ पे हमें निकालना है सम निकालना है तो एस एन निकालना है हमें तो फॉर्मूला याद रखिएगा u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन इस पर बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है चालीस मीटर आएगा नोट कर लीजिएगा यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर सेवेंटी वन हड़प्पा सभ्यता संबंधित है चलिए फटाफट अब दस क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे और हर क्वेश्चन का आंसर देकर जाइएगा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके मित्र हैं वो यहाँ ज्वाइन कर सके क्योंकि पाँच हज़ार क्वेश्चन का भी ये श्रृंखला आपको दिया जाएगा जो कि मैंने अभी तक इसमें से तेरह सौ और ये आज का जो मिला के करीब चौदह सौ का क्वेश्चन सेट आपको दे चुका रहूँगा ठीक है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेवेंटी का आंसर कीजिए हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युग से संबंधित है ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी निम्नलिखित में से एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को एशिया ज्योति पुंज के रूप में जाना जाता right है दोस्तों आंसर कीजिएगा ए इज़ द राइट आंसर महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्धम बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं और बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको क्लिक करके बताता रहता हूँ किस वंश के शासकों ने जी हाँ छत्र प्रणाली पर प्रयोग किया है किस वंश के शासक ने जी हाँ छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था याद रखिएगा शंख जी हाँ आंसर क्या करेंगे दोस्तों इट्स अ शक वंश जो कि शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था भारतीय अगर देखा जाए साहित्य में तो स्थियन को शक के नाम से जाना गया है स्थियन को क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर उल्गू खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है उलूक खान नोट कर सकते हैं दोस्तों इट्स ए बलबन को बोला गया था उलूक खान ठीक है जो कि गुलाम राजवंश का एक शासक हुआ करता था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिले थे विजयनगर सम्राज्य का पतन हुआ था दोस्तों पंद्रह सौ पैंसठ में ठीक है हम्पी में बी इज द राइट आंसर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था तो तेरह सौ छत्तीस में ये भी आप ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत का ये हरिहर है और बुका नामक दो भाइयों के द्वारा ये इसका स्थापना किया गया था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल बादशाह सम्राट कौन था बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अब बी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण करने के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल बादशाह सम्राट अकबर ही था ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब है जो कि मुग़ल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है बिल्कुल बहुत ही फेमस है हमायू नामा जो कि किसने लिखी है दोस्तों यहाँ पर जी हाँ सी तो आंसर हो जाएगा लेकिन आंसर बताइए किसने लिखी है तो हमायूँ बाबर का पुत्र था अकबर का पिता था और हमायू नामा उसके नाम पे ये लिखी गई थी जी हाँ हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम याद रखिएगा उन्होंने ये लिखवाई थी या लिखी थी यहाँ पर तथाकथित काल कोठरी ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ हुई थी जी हाँ ब्लैक होल दुर्घटना हुई हो थी दोस्तों सत्रह सौ छप्पन ईस्वी में जी हाँ नवाब दौला कलकत्ता पर जी हाँ अपना अधिकार जमाया और एक अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद करके इनको जी हाँ बहुत मारा ठीक है याद रखिएगा डी कलकत्ता क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता था बिल्कुल राजा राम मोहन राय बी इज द राइट आंसर और ये बीस अगस्त अठारह सौ अट्ठाईस को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे और बारह सौ सत्रह सौ बहत्तर में बंगाल के नगर में इनका जन्म हुआ था क्वेश्चन नंबर एट्टी जो कि आज का आखिरी प्रश्न है बंगाल विभाजन 1905 में कारण जो कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो याद रखिएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 19 जुलाई 1905 में शिमला से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी आंसर क्या करेंगे स्वदेशी आंदोलन सी इज़ द राइट आंसर तो दोस्तों यहाँ पे अस्सी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं आपने इस सभी अस्सी क्वेश्चन में कितने उत्तर सही किए ये कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस वीडियो के ख़त्म होने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको 10 से 15 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको शेयर किए जाएंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं रोज़ वो उसको आप लोग सॉल्व करें रोज़ पढ़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें तो पाँच हज़ार की श्रृंखलाओं में अब आप यहाँ पे चौदह सौ क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं अब आगे आपकी मर्जी है कैसे तैयारी करनी है कितनी तेज़ी से चलना है आपके ऊपर डिपेंड करता है सुबह के नौ बजे का वीडियो जरूर देखें और इन सब के पी के लिए आप लोग वाइट एजुकेशन को जी हाँ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन करें तो आपको पी डी मिल पाएंगे ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का मिलते हैं अगले वीडियो में